18 जुलाई को इंडिया की बैठक होने वाली है, जिसके लिए चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे थे और वहां से ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान इंडिया में शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते नहीं, इवन वो शामिल हो चुके हैं, बस ये सिर्फ औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है जो कि 18 तारीख को खुलकर स्पष्ट हो पाएगा। इन्हीं सब चीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय है और हमारे सहयोगी स्नेहा गुप्ता है। तो सर ये बताइए कि क्या बातें वहां से खुलकर सामने आ रही है। देखिए, नित्यानंद राय का जाना यह तो ठीक है, यह तो दिखाई पड़ रहा है जी। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है, उसके बाद ही नित्यानंद राय आज उनके श्री कृष्णापुरी आवास पर गए और उनसे मिले और बातचीत हुई। और बातचीत ही नहीं हुई, बहुत देर तक 1-to-1 फिर बात हुई जी। फिर उनके चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अन्य जो थिंक टैंक, हम कह लें, नाम हम नहीं बोलना चाहेंगे, जो थिंक टैंक हैं, उन लोगों के साथ भी बातचीत हुई। तो यह एक बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यह थिंक टैंक सब लोग, जो फोटो जा रहा है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, वह सिर्फ चिराग पासवान और नित्यानंद राय की तस्वीर आ रही है। लेकिन उसके बाद जो उनके थिंक टैंक है, 2-4 लोग, वो उनके साथ में बातचीत हुई है। और यह उसके बाद ही चिराग पासवान अपना सारा प्रोग्राम बदलते हुए, सारा प्रोग्राम को इधर उधर करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अब वहाँ दिल्ली में भी जो उनकी कोर कमेटी है वहाँ पर भी बात गई, और साथ में यहाँ से भी कुछ और उनके दल के जो शीर्ष नेता हैं वह भी दिल्ली के लिए कूच कर गए। तो ऐसे में 18 तारीख की जो बात हो रही है, उससे पहले वहाँ पर फिर इन लोगों की बात होगी और ऑलमोस्ट सब फाइनल है। सिर्फ सीट को लेकर के जिच बना हुआ है कि कितनी सीट और कौन कौन सीट, अब वो जो वहाँ पर जो बातचीत होगी फाइनल, अब फाइनल टॉक के लिए ये बात होगी। और हमको जहाँ तक, हमें जहाँ तक जानकारी है, 18 से पहले एक बार फिर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चिराग पासवान की दिल्ली में बातचीत होगी। सर आपने सीट की बात की, सीट की बातें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि पहले से ही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात कर ले, दोनों के साथ बातचीत में थे। लेकिन जो समस्या आ रही थी, जो सीटों का आंकड़ा था, उसी में गड़बड़ नज़र आ रही थी। हाजीपुर की सीट की बात करते हैं, वो सीट विरासत की सीट है। अगर बात करें ना, वहाँ पे पशुपति पारस वो सीट छोड़ना चाहते हैं, ना यहाँ चिराग पासवान छोड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है किसको मिल सकती है विरासत? देखिए स्नेहा, आपने ठीक कहा, वो 2024 जो होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव जी, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हम ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन इतनी हमको बात जो राजनीतिक समझ रखते हैं वो हमको दिखाई पड़ रहा है कि अगर यदि पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप, अगर यदि उनको नहीं ये करा, तो निश्चित रूप से जिसकी बात आपने कही कि वो विरासत की जंग का गवाह बनेगा हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट, क्योंकि न तो उससे चिराग पासवान उससे हटने वाले हैं, न उससे पशुपति कुमार पारस हटने छोड़ने वाले हैं। क्यों नहीं छोड़ने वाले? देखिए, चिराग पासवान लड़े न लड़े, उनकी माता जी हैं रीना पासवान। हम देखिए, आज नहीं, कई दफ़े हम इस बात को बोल चुके हैं, और स्वयं चिराग पासवान ने भी इसकी कई दफ़े पुष्टि की है कि मेरी माता श्री वहाँ से लड़ेंगी चुनाव हाजीपुर सुरक्षित से। अगर वो नहीं लड़ेंगी या उनको मना लिया गया, तब जो है सो फिर हम वहां से लड़ेंगे। लेकिन तो यह तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। तो यह ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है, उसके बीच में एकदम आमना सामने की ताल ठोकते हुए आपको नजर आए, तो कहीं जो है सो अतिशयोक्ति नहीं होगी हमारी बात में। हम पूरी मजबूती के साथ आपको यह बात कह रहे हैं। सर ये जो चाचा भतीजे की जोड़ी है, चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों में हमेशा ही आमना सामना होता रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मौका मिला, चुनेगी ही, तो किसको लड़वाएगी हाजीपुर की सीट? क्योंकि हाजीपुर की सीट पे ही सारा पेच फंसा हुआ है। देखिए, अब हाजीपुर सीट की बात है तो वह चर्चा है, तो ऐसे में अब लोग उसका क्या हो सकता है, जैसे दो टीम में मैच होता है तो उसको टॉस किया जाता है, टॉस करके जो हेड और टेल होता है तो वही होगा अल्टीमेटली, तो ही हो सकता है। अगर यदि उनको अगर मैच नहीं लूज करना है तो इसको तो बढ़िया से एनडीए उसको यही कर सकता है कि टॉस करेगा, जो सिक्का का जो इधर माने हेड और टेल जो आएगा वो चाचा भतीजा में मिलेगा, और फिर उनको एडजस्टमेंट की बात होगी इधर चाहे उधर, यही ना हो सकता, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो मैं तो फिर वो आगे अगर यदि विरासत बचाने की जंग में, ऐसा नहीं कि लोग सीट ही हार जाए एनडीए, तो एनडीए कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों की लड़ाई में अपनी सीट को हम हारें। तो सर औपचारिक ऐलान कब होगा कि चिराग पासवान अब
एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आज भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि पहले हम मीटिंग में शामिल होंगे उसके बाद ही ये बताएंगे कि चिराग पासवान कोई भी चीज कोई भी डिसीजन जो लेना चाहते हैं पार्टी के अंदर वो डेमोक्रेसी दिखाना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है, इसीलिए उनको आज ऑथराइज भी किया गया। आज की जो बैठक हुई उस बैठक में चिराग पासवान को कोई भी डिसीजन लेने के लिए सर्वसम्मति से उनको मैंने ये कर दिया गया कि आप जो निर्णय लीजिएगा पार्टी को सर्वमान्य है वो। तो यह तो एक प्रक्रिया होती है, हर पार्टी हर दल में यह सेटअप है, कोई नई व्यवस्था चिराग पासवान कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हर दल में होती है। लेकिन हाँ, अब चिराग पासवान 2024 में निश्चित रूप से जो अभी का सिनेरियो है वह कहना बहुत टफ है कि मैंने वहां से वो हाजीपुर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर यदि एनडीए फोल्ड में अगर एनडीए क्या करती है यह देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से चाचा को मना पाती है कि नहीं मना पाती है। अगर सर इसके साथ ही चिराग पासवान का जो पेज फंसा हुआ था एनडीए में वो कहीं ना कहीं उनकी शर्तों के मुताबिक था, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सारी शर्तें मान ली गई हैं, चाहे चाचा पशुपति पारस की बात कर ले या सीटों का आंकड़े की बात कर ले या कई और शर्तें थी जिसकी वजह से अभी तक चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं हुए थे। देखिए वो जो बात शर्त की बात हो रही है, शर्त राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी शर्त पर नहीं चलती है, आपके डिक्टेशन पर नहीं चलेगी वो पार्टी जो हम समझ पाते हैं। देखिए बोलने के लिए सोशल मीडिया पर जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर जिस मीडिया में आप बैठ करके बोल दीजिए, कोई बैठ के बोल दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इतनी माने हर चीज को माने एक एक पॉइंट को देखती है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि उसको चिराग पासवान डिक्टेट करेंगे और वह पार्टी वह बात को मान लेगी मैंने अमित शाह, तो वह ऐसा नहीं होने जा रहा है। वह कहीं ना कहीं किसी बात पर उनको समझना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे में तो सब जितने भी इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं वो पूरे देश में अगर यदि इसी तरह करेंगे तब तो ये अराजक व्यवस्था हो जाएगी एनडीए के अंदर, तो यह नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो टॉप ऑफ जैसे होता है ना, टॉप ऑफ बात समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें टॉप ऑफ डालते हैं, तो वो अब किसके लिए टॉप ऑफ है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन एनडीए निश्चित रूप से वह टॉप ऑफ डालता रहता है, वही टॉप ऑफ भी है। आईबीटीवी सर हमेशा से ये बातें चला रहा था और क्या से भी लगा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अगर बन जाते हैं चिराग पासवान तो किस तरीके से सियासी सरगर्मी बढ़ जाएगी? देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान अगर यदि आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जो टारगेट है कि हम 2019 को दोहराएं 40 में से 39, तो वो निश्चित रूप से वो आपको उस हद तक दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए और भी अन्य छोटे छोटे दलों को अपने में वो उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, मुकेश सहनी, तो सबको ही लोग अपने ये जो टॉप ऑफ की हम बात कर रहे हैं ना मोबाइल से, ये टॉप ऑफ है, ये लोग टॉप ऑफ को ला करके ये लोग मजबूती के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं, एनडीए का यही मेन मोटो यही है। सर 18 तारीख को जो मीटिंग है दिल्ली में, इससे क्या कुछ सामने आएगा और क्या रणनीति रहेगी एनडीए की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश के स्तर पर मीटिंग कर माने लगातार करता रहा, उसको सारा फीडबैक है, बिहार के एक एक पार्लियामेंट क्षेत्र का जो भी 40 सीट से सबका उसको एक एक माने पार्लियामेंट क्या कहें असेंबली सेगमेंट का भी उसको नॉलेज है, सारा कुछ खाका डेटा सब रखा हुआ उसके पास। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर कह लीजिए, वो लोग यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात होगी चिराग पासवान के साथ, और निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस के साथ जो कि पहले से वो एनडीए फोल्ड में है, तो वो उनके साथ में बातचीत टॉप लीडरों की हो चुकी है, हुई है, इसीलिए आप देखिए बहुत कंफर्टेबल है पशुपति कुमार पारस, वो उनका बयान कभी इधर उधर नहीं आ रहा है, वो एकदम बैलेंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो और एनडीए जो है सो पशुपति कुमार पारस को भी नहीं खोना चाहती है जी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर नहीं तो एक मिनट में दूध की मक्खी की तरफ पशुपति कुमार पारस को निकाल के फेंक देता वो चिराग पासवान को, एंट्री हो जाती माने बहुत ग्रैंड एंट्री होती, बट दे डोंट वांट दे डोंट लाइक, तो वो इस तरह का वो जो है सो वो करना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि कैसे जो है सो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करें और मिला जुला करके, और जो सीट की बंटवारे की बात है इनको जितनी सीट पहले मिली थी वो उसी तरह से बंटवारा होगा, उसमें देखिए
अब 6 सीट मांग रहे हैं, 7 सीट मांग रहे हैं, तो वह नहीं चलने वाला है। ये 3 सीट इनको भी दिया जाएगा, 3 सीट उनको भी दिया जाएगा, और कुछ राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देकर के इनको मेटरलाइज कराया जाएगा, जो समझ में दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और जो अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में 18 तारीख को, उसमें चिराग पासवान शामिल होने वाले हैं। चिराग पासवान ने खुल के कह दिया है कि पहले हम मीटिंग में शामिल होंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम NDA का हिस्सा है या नहीं। लेकिन ये सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, बाकी सब जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी चिराग पासवान से मिले और मिलने के बाद ये भी कहा कि जब हम मिलते हैं तो खुशखबरी ही सामने आती है। अब ये देखना लाजमी होगा कि अगर चिराग पासवान NDA का हिस्सा बन जाते तो बिहार की सियासत और देश की सियासत किस तरीके से रंग लाएगी। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।